ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आप सभी को गुरुवार की और कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बाबा से ये प्रार्थना करूंगी कि बाबा आने वाले त्यौहार हम सब की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर के आएँ, ताकि इस परिवार का और पूरे साई परिवार का, पूरी सृष्टि का हर एक इंसान अपनी प्रॉब्लम से लड़ सके और हर चीज़ को अकेले पूरी हिम्मत के साथ फेस कर सके, उसे कोई पीछे ना छोड़ सके। हर व्यक्ति अपने आप में एक बहुत ही निखरा हुआ इंसान है, बस वो अगर अपने आप को पहचान ले तो ठीक है। हम दूसरों को पहचानते ना, अरे वो तो ऐसा है वो, अब हम अपने आप को तो पहचानते नहीं है तो हम दूसरों को कैसे पहचान सकते हैं, है ना। हमें अपने बारे में तो मालूम नहीं है कि हमें कब गुस्सा आ जाएगा, हम कब गुस्सा को कंट्रोल, हमसे अपना क्रोध तो कंट्रोल होता नहीं। हम दूसरों को कहते चिंता मत करो, है ना। तो मैं ये जानती हूँ कि हम कह तो देते हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उस ठीक होने में जिस इंसान के ऊपर पीड़ा होती है उसे ही पता होता है कि आखिर पीड़ा का दर्द क्या है, वो पीड़ा कैसे वो फेस कर रहा है, ये तो सिर्फ वही जानता है। समझाने वाला तो सिर्फ कह देगा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मैं भी कई बार आपको बोलती हूँ ना कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि उस चिंता को टालने में भी ना बहुत चिंता लगती है। इसलिए हल आपके पास है, सॉल्यूशन है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि इंसान सॉल्यूशन देख ही नहीं पाता। गलती आपकी नहीं है, ये सृष्टि का नियम है, सबके साथ एक ही तरीके का चक्र चलता है, कोई आगे पीछे नहीं है, सबको भोगना ही भोगना है, कोई नहीं बच सकता इस कर्म योग की भट्टी में, सबको जलना पड़ता है। ये एक अकाट्य सत्य है जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता, ये ऐसा सत्य है जो होना ही होना है। तो बस यदि देखिए हमारी ज़िंदगी में हर एक नया किरदार भी आता है, हर जो पुराने किरदार हैं सब हैं, पर जो इस ज़िंदगी में पूरी एक सच्चाई है वो सिर्फ परमपिता परमात्मा है, जो हमारे साथ आज भी है, पहले भी था और आने वाली कल में भी होगा, चाहे हम इस धरती पर रहें या कहीं भी रहें, लेकिन वो कभी हमारा साथ ना छोड़ेगा ना छोड़ सकता है। तो जब वो इतना सब कुछ करता ही है हमारे लिए, तो हमारा भी तो कुछ फ़र्ज बनता है ना उनका, उनके लिए क्या कर सकते हैं हम, उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें शुक्राना कर सकते हैं, शुक्रगुजार हो सकते हैं कि हे मालिक तेरी बदौलत मैं सुखी हूँ, तेरी बदौलत मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, तेरी बदौलत मैं हंसता खेलता मुस्कुराता हूँ और ऐसा मुस्कुरा लेता हूँ बाबा कि सारे गमों को अंदर छिपा कर ऐसे निकलता हूँ कि कोई जान ही नहीं पाता कि मेरे अंदर कितने दर्द छुपा रखे हैं मैंने। ये सब आपकी कृपा से है। तो आइए ऐसे ही हमारे प्यारे से नाथ साईनाथ से प्रार्थना करते हैं। आज उनका शुक्राना करने का दिन है, आपको मालूम होगा कि आज हम प्रार्थना नहीं करते हैं, आज हम सिर्फ जन्मदिन पर लोगों को बधाई देते हैं और बाबा को शुक्राना करते हैं कि बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी ज़िंदगी में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना बनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अच्छी राह दिखाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कभी भी हमारे मन में लालच नहीं आने दिया, कभी भी हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष ऐसी कोई भावना नहीं उत्पन्न होने दी जिससे कि हमें कोई नुकसान हो, उसके लिए मेरे साईं आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। ऐसे ही जीवन में हमेशा साथ देते रहना, और कुछ नहीं चाहिए, आप हो तो सब कुछ परिपूर्ण है, संपूर्ण है मालिक। अगर कोई जाने अनजाने में गलती हो जाती हो तो हमें माफ़ करना, दया करना, रहम करना, श्रद्धा की लाज रखना। तो चलिए बाबा का शुक्राना भी कीजिए, बाबा से माफ़ी भी मांगिए, बाबा से हर बात शेयर कीजिए जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी पर्सनल बातें हैं अपने बाबा से शेयर कर सकते हैं। अब हम प्रार्थना की ओर चलते हैं और प्रार्थना आज उनके लिए करने जिनका बर्थडे है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, अदरवाइज़ किसी का नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि आज बाबा का शुक्राना करने का दिन है, तो आप सबको पता ही होगा अब तो। और हाँ, 12:30 बजे लाइव होगा बाबा का नाम जाप, जो कि हमने दो बार नहीं किया है, तो आज पूरी श्रद्धा से भाव से करना है बाबा का नाम जाप, बाबा को अपने पास बैठा कर बाबा का दीदार करना है, ठीक है। तो आइए बाबा को याद करते हैं और आज जिनका बर्थडे है, जिनकी एनिवर्सरी है, उन्हें विश करके फिर बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं। तो आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो है कुलदीप कुमार जी और कविता रानी जी।
तो कुलदीप जी और कविता जी को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। कुलदीप जी एंड कविता जी, मेरी बाबा से, हमारी पूरी दीदार फैमिली की बाबा से प्रार्थना है कि आपकी ज़िंदगी का हर पल बेहद खूबसूरत हो, आप दोनों की लाइफ हमेशा खुशियों और प्रेम से भरी रहे, आपका जीवन सदैव प्रेममयी रहे, सदैव आपका परिवार हमेशा खुशियों में खेलता रहे, खुशियाँ आपके परिवार में बनी रहे, सुख समृद्धि बरकत हो, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है, और आपका साथ जीवन भर बना रहे, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। राखी जी का बर्थडे है, राखी जी आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, साईनाथ आपको हमेशा खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, बाबा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, आपकी भी हर मनोकामना पूरी हो। सुरेश पटेल जी का बर्थडे है, सुरेश जी आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, साईनाथ आपको हमेशा खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपकी भी हर मनोकामना पूरी हो, लाइफ में आपको बहुत तरक्की मिले। खुशबू जी का बर्थडे है, खुशबू जी आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरी बाबा से प्रार्थना है कि आप जहाँ भी जाएँ वहाँ एक ऐसी महक फैलाएँ जो कि पॉजिटिविटी वाली हो, जो कि लोगों के अंदर एक अच्छी उम्मीद जागृत कर दे, मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी, और आप हमेशा महकती रहें, ज़िंदगी में खुशियां बनी रहें, साईं चरणों में मेरी प्रार्थना है। उसके बाद श्री शंकर बरुष जी का बर्थडे है, यदि मुझसे नाम लेने में कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। श्री शंकर बारिश जी का बर्थडे है, शंकर जी आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, साईनाथ आपको हमेशा खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, आपकी भी हर विश पूरी हो, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। कृष्णलाल नंदवानी जी का बर्थडे है, कृष्ण जी आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, तो वैसे भी कृष्ण का बर्थडे है और आपका नाम भी कृष्ण है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, साईं मेरा मालिक मेरा भगवान आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे, बाबा की रहमत आप पर बरसती रहे, आपकी भी हर विश पूरी हो। उसके बाद रूही जी का बर्थडे है, रूही जी आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, साईनाथ आपको हमेशा खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, आपका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे, आपको कभी भी कोई तकलीफ़ ना हो, उम्र लंबी हो, और उतनी ही खुशियां आपके जीवन में सदैव बरकरार बनी रहें, मेरी बाबा से प्रार्थना है। हे साईनाथ बाबा, इन सब का भला करना, रहम करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सबके घर में खुशियाँ हो, सुख समृद्धि बरकत हो, मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, बाबा मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना। तो आइए 11 वचनों को पढ़ते हैं, उसके बाद साईं प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है, बाबा आप सबका भला करें। ओम साईं राम, जय साईं राम, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।